आनंदपुर, ये कैसी जगह है तुम्हारा आनंदपुर? रहने के लिए अच्छी जगह है, ना रहने के लिए और भी अच्छी जगह है। मतलब यहाँ शहर में रहोगे? जी। और पापा का नाम क्या है? वीरभद्र। ब्राह्मण हो? जी नहीं। भगवान में विश्वास करते हो? पहले खुद में पैर नहीं छू सकते थे। किसके? हाँ पैर, इंप्रेस हो जाते पापा। नंदिनी, मैं कभी वो काम नहीं करता जिसमें मेरा मन नहीं। मन नहीं मतलब? क्या जरूरत है ये सब की? शादी तुमसे कर रहा हूँ, तुम्हारे पापा से नहीं। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पैर छूने में कोई एतराज नहीं मुझे। मार खाइए कभी। और क्या बोले तुम? पहले मैं खुद में विश्वास करता हूँ, फिर भगवान में। अरे भगवान हर चीज में होते हैं, तुम में है, मुझ में है, मेरे पापा में भी है। एक छोटा झूठ बोल देते, क्या चाहता तुम्हारा? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ मत बोलो। ए, चेरी कहाँ है इसमें? आज तो मुझे पहली बार मिले होते ना, तुमसे बात तो क्या देखती भी नहीं मैं तुम्हें। क्यों तुम इतने टेढ़े हो? नंदिनी, सीधे लोग हमेशा टेढ़े दिखते हैं। तुमसे बात करना बेकार है। नंदिनी को पता नहीं था कि प्रताप एक कभी ना खत्म होने वाले सफर पे निकल रहा है। नागमणि रेड्डी और नरसिम्हा देवा रेड्डी की भारी सुरक्षा के मद्देनजर प्रताप का भाई शंकर जंगल में छिपके नागमणि और नरसिम्हा रेड्डी के सपोर्टर्स पे लगातार हमले करने लगा। जज्बे में मिलावट है, प्रतिशोध भी। हर जज्बे में मिलावट है, प्रतिशोध भी। ये आज की महाभारत है, यहाँ सिर्फ रक्त छिद्र है। महाभारत है ये आज की, महाभारत है ये आज की। इन गुरिला हमलों के नतीजे से अब रक्त चरित्र में एक ऐसा किरदार आया जो राजनीति नहीं रक्त नीति का राक्षस था। नागमणि रेड्डी का बेटा बुक्का रेड्डी। पहले ही आनंदपुर को 20वीं सदी से किसी अंधे युग में ढकेल रखा था और अब वो शंकर के भाई प्रताप के आने की खबर सुन अपने दिल से बाहर निकला। ठहरो, किधर जा रहा है? सुना है वो शंकर का भाई प्रताप रवि आया हुआ है। चुनाव तक चुप, चुनाव तक। Thank you.
पर आओ। हर रोज यहाँ के कई बंदूक उठा रहे थे। किसान खेतों में हल चलाना छोड़ बम बना रहे थे। आनंदपुर के ऐसे माहौल में प्रताप रवि ने अब कदम रखा। दुर्गा है, उन्हीं में से एक है जिन्होंने पापा को मारा था। बाकी भी मिलेंगे। पुलिस क्या करी? पुलिस की वजह से तो यहां तक पहुंचे हैं। छोड़, तू इस समय मत पढ़। तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। पापा भी यही चाहते थे ना। तू पढ़। देख रवि, मेरी यह लड़ाई सिर्फ उन लोगों के खिलाफ नहीं है जिन्होंने पापा को मारा है। वो सारे लोग, सब जिनके लिए पापा लड़ रहे थे, उनकी जिम्मेदारी भी तो मुझ पर आ गई ना। और जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलता, मैं रुकूंगा नहीं। माँ कैसी है? अपने पिता की दिल दहला देने वाली मौत से प्रताप की जिंदगी का बुलबुला पहले ही फूट चुका था। इस इलाके के कई लोगों की तरह प्रताप ने भी पहली बार उस जज्बे को समझा जिसके बारे में वो बचपन से सुनता आया था। ये खून खराबा नहीं, अपनी आत्मा, अपने वजूद की लड़ाई थी। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि इस वक्त प्रताप चक्रव्यूह के कितना बाहर था और कितना अंदर। शंकर कैसा है? वो ठीक तो है? तुम्हारी दोस्त कोई नंदिनी का फोन आया था। कोई किसी को बिना वजह इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? इस किस्म के लोग घर पे हो क्या हमारे? किसी के मुंह पे लिखा होता है क्या कि उसके पीछे ऐसे लोग होंगे? शुक्र करो तुम सही सलामत बैठे हो घर में। देखो नंदिनी, गलती सबसे होती है। तुम प्रताप को भूल जाओ। पापा, मैं प्रताप से प्यार करती हूँ और ये जो भी हुआ है उसके पीछे का सच जाने बिना मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। देखो, हेलो नंदिनी, प्रताप। प्रताप, तुम कहाँ हो? प्रताप, तुम ठीक तो हो? ये क्या हुआ प्रताप? मेरे पापा को मार डाला नंदिनी। ऐसी मौत मिली क्यों? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और भाभी तो टूट सी गई और अब मेरे भैया के पीछे पुलिस पड़ी हुई है। शंकर मिल गया है। जिंदा? शंकर? शंकर मेरा भाई। शंकर
तू कौन है? मेरा नाम प्रताप है। तो? क्या मतलब तू? मेरा भाई इधर है। इधर किधर है? इधर आपके थाने में। कौन बोला तेरे को? देखिए मुझे खबर मिली है, उसे आज ही पकड़ा है आपने। किधर है मेरा भाई? आवाज नीचे नीचे, साले चेहरे का चटनी बना दूंगा। देखिए प्रताप ने कोई कानून नहीं तोड़ा, इस पे कोई क्रिमिनल केस भी नहीं है। कानून के मुताबिक आपको इन्हें इनके भाई से मिलने देना होगा। कौन है बेटू? वकील। इधर वकील, कानून सब मैं हूँ। मैं तो तुझे भाई से मिलना है। अगले भारत मिला। हो गया भारत मिलाप, कानून के मुताबिक ही मार दिया। दुनिया में प्रताप के सिवा मेरा कोई नहीं है। दीदी दीदी हम यहाँ से चले जाएंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम यहाँ से शहर चले जाएंगे। मैं प्रताप को मनाऊंगी, वो मेरी बात जरूर मानेगा, मेरा बच्चा मेरी बात कभी नहीं डालेगा। रेड्डी साहब, रेड्डी साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ रेड्डी साहब, अगर मेरे बेटे के दिल में कोई ऐसी वैसी बात है तो वो निकाल देगा अपने दिल से। मैं आपको वचन देती हूँ। एहसान कर रही है क्या तेरे बेटे को बोल के? तेरे पति को, तेरे पति को दूध पिलाया हमने, और वो हमें ही तेरा बेटा शंकर नरसिम्हा जी को मारने की तैयारी में था। चल बाहर निकल, इसको बाहर निकल। प्रताप, उनके पास पावर है, पुलिस है, सरकार भी उन्हीं की है, लेकिन कब तक छिपेंगे? हम भी देखते हैं। प्रताप, तुम्हारे पापा और तुम्हारा भाई हमारे अपने थे। उस साले तुम्हारे ही नहीं, इस आनंदपुर गांव के हजारों जनता के दुश्मन है। तुम बस यहां रुको, डरना नहीं, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उन सालों से तो बदला लेना हमारा काम है। नहीं, मेरा काम है। जज्बाती हो रहे हो तुम, कि एक बार भी कभी बंदूक पकड़ी है तुमने? नहीं, बंदूक नहीं चाहिए, मैं एक कटार को सहूंगा उन तीनों में। तुम्हारे जज्बात समझता हूं मैं, लेकिन प्रताप इतना आसान नहीं है ये। तुम ये काम हम पे छोड़ दो। बाप मेरा, भाई मेरा, मां मेरी, बदला भी मेरा होगा। हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे कि नरसिम्हा, नागमणि और मंदा तीनों को एक साथ एक टाइम पे मारेंगे। नहीं, एक साथ नहीं, अलग अलग, एक एक करके, और हर एक के बाद अगले को वक्त दूंगा ताकि उसे मौत का खौफ महसूस हो। मतलब मौत तो मुक्ति होगी उनके लिए, इतनी आसानी से छुटकारा नहीं दूंगा।
नागमणि ने प्लान बनाया, मंदा ने किया और नरसिम्ह रेड्डी ने ऑर्डर दिया, तीनों को मारूंगा। और वो गोमती नरसिम्हा रेड्डी की बीवी, जिसे मेरी माँ अपनी बहन मानती थी, उसके सामने बेइज्जती की मेरी माँ की, मेरी माँ को थप्पड़ मारा और वो चुपचाप खड़ी देखती रही। सबसे पहले